बनोगे या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनोगे 6 करोड़ बिजनेस के लिए आपको 20 लाख शॉर्ट पड़ेगा, 30 लाख शॉर्ट पड़ेगा, कैसे खींचोगे? तो जिंदगी में कभी भी बड़े पिन नहीं आएगा। इसीलिए मैं जानता हूं, देखो जब आप क्लास 10th पढ़ रहे थे उस समय आपको लगता था क्लास 10th जो है वो डिफिकल्ट है, क्लास 9 जो है वो इजी था। लेकिन जब क्लास 9 पढ़ते थे भी वही लगता था कि क्लास 9 जो है वो डिफिकल्ट है, क्लास 8 इजी है। जब क्लास 8 पढ़ते थे उस समय लगता था क्लास 8 डिफिकल्ट है, 7 इजी है। मुझे बता क्या 7 इजी था या 7 डिफिकल्ट था? 8 डिफिकल्ट था या इजी था? 9th डिफिकल्ट था या इजी था? 10th डिफिकल्ट था या इजी था? 11 इजी था या डिफिकल्ट था? इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप पहुंच जाते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता दिखता है, आप नहीं पहुंचते हो तो आपको टॉप दिखता है। कोई भी पिन टॉप नहीं है, आई गारंटी यू। वो ब्लू डायमंड ले ले, रॉयल डायमंड ले ले, रॉयल ब्लैक डायमंड ले ले, रॉयल क्राउन ले ले, क्राउन एम्बेसडर ले ले, कोई भी पिन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हम पहुंचे नहीं है इसीलिए टॉप लग रहा है। जिन लोगों ने आज ब्लू डायमंड में है उनको लग रहा है डायमंड इजी है, लेकिन जो डायमंड पहुंचे नहीं उनको लग रहा है डायमंड बहुत कठिन है। भाई मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई भी पिन डिफिकल्ट नहीं, सब इजी है। तो इजी कब होगा? जब वो खींच के पहुंचेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं खींच के रॉयल डायमंड पहुंचो। वो चलो बोलते सर मैं खींच के रॉयल डायमंड पहुंच दूंगा, अगले मंथ फिर नीचे आ जाएगा। अरे फिर अगले मंथ नीचे आ जाएगा, फिर अगले मंथ फिर ऊपर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? मेरा बिजनेस 75 लाख से एक बार बिजनेस गिर के 24 लाख हो गया, मैंने हिम्मत नहीं हारा, फिर 1.5 करोड़ हो गया। बिजनेस गिर गया, अगर प्रयास नहीं करके गिरा तो और गिरेगा, अगर प्रयास करके भी गिरा ये उठेगा, आपका प्रयास के मैटर है, याद रखना। इसलिए खींचो बिजनेस को, हमेशा पुश करो और चाहे और बढ़ाओ उसको। और बहुत सारे लोग ब्लू डायमंड हो गया 4 लाख 2 लाख, उसको ब्लू डायमंड तो हो गया, रॉयल डायमंड तो होगा नहीं, छोड़ दूंगा। वो क्या कर रहा है? वो जो पुश करना, वो जो खींचना वो बंद कर दे रहा है। जब ये पुश करना खींचना बंद कर देगा बिजनेस वहां पे स्टेबल हो जाएगा। अब ब्लू डायमंड है, खींच के रॉयल डायमंड नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खींच के 50,000 वो उठा लोगे ना, वो चीज आपको अगले मंथ आपका काम पे लगेगा, अगले मंथ आपको बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा, बड़ा करने के लिए मोटिवेट करेगा। इसको स्पेशल ध्यान दो, यही करते हैं हम लोग बिजनेस। मेरे पॉइंट को क्लियर हो पा रहे? ज्वाइनिंग मतलब कैसा सोच पा रहे हो? दूध से घी तक का प्रोसेस लेके आना। बहुत सारे लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लीडर बनेंगे, उसको काम मिल जाएगा। और खींचना है बिजनेस को, तभी हमारा काम जो है वो बहुत चलेगा। एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद में एक टॉपिक में आज के प्रोग्राम होने की रख दूंगा, एजुकेशन सिस्टम। आप रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको अलग हो जाना है। कैसेट, सीडी, किताब, मोटिवेशनल, लव प्लान, काउंसलिंग, बहुत ज्यादा बड़े रहो उसमें, तभी काम हमारा बहुत बड़ा होगा। अगर उसके ऊपर हम लोग ने काम नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा। उसके ऊपर स्पेशल आपको ध्यान देना है, 20 पेज किताब पढ़ना, एक वीडियो ऑडियो सुनना, ये सब चीज आपको बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला चाहता हूँ, कंपनी के बारे में आप बता रहे थे कितने जबरदस्त कंपनी की अभी तैयारी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ हम प्रोडक्ट भी नया लेके आएंगे। और ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो प्लान देख रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव मॉडिफिकेशन भी लेके आएंगे। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कोई कोई व्यक्ति आके, कोई कोई कंपनी आके ना, नया कंपनी निकले हैं वो आके दिखा देते हैं प्लान, देखो ये मेरे ना तुम 50-50 साल बिजनेस कर रहे हैं, तेरे को इतना मिल रहा है, मैं 50-50 साल में इतना मिलेगा। वो तो नया ज्वाइन किया है, ऊपर तक तो गया ही नहीं, ऊपर जाएगा जो पता चलेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा गारंटी नहीं ऊपर तक। बहुत सारे अपने कंपनी देखा, वो अच्छा तेरे 25,000 में कितना मिल रहा है ना, मेरे 25,000 में 5,000 मिलेगा, अगर मेरे 25,000 करेगा ना तो 5,200 मिलेगा, और बंदी जॉब कर जाता है। क्या कर रहा हूं भाई? मैं तो बोल रहा हूं दुनिया में कोई भी व्यक्ति पॉकेट से पैसा नहीं देगा, कोई भी कंपनी नहीं देगा। अगर वो दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको एक पिन में, एक बिजनेस में ज्यादा दे सकता है तो हम भी दे सकते हैं। पड़ोसी हो सकता है कालेज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल देगा, कोई भी कंपनी खोल दे रहा है, बाप रे बाप क्या हो रहा है, और कोई भी कंपनी बंद कर रहा है।
तू हमको एक कंपनी में स्टेबल होकर रहना है, परमानेंट चल रहा है और बिजनेस में टारगेट लेना है, गोल लेना है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट भी हम लोग लेके आ रहे हैं, प्लान में भी हम लोग पॉजिटिव मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डायमंड के लिए भी बहुत सारा खुशखबरी आने वाला है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी आने वाला है, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी आने वाला है भविष्य में, मैं बता रहा हूँ। और बड़े पिन में तो आ ही रहा है और आएगा भी, आगे में भी आएगा। तो आपको बड़े विश्वास के साथ में इसमें चलना है, ऑफलाइन के साथ में मिलके पकड़ बना के आपको काम करना है। अरविंद जी ग्रेट ऑफलाइन आपका, मैंने कितना सीखा हूं मैंने अरविंद जी से, अरविंद जी की टीम में जिन लोग हैं मैं तो मानूंगा, मैं तो बोलूंगा यू ऑल आर वेरी लकी, आप अरविंद जी के डायरेक्ट मार्गदर्शन से काम कर रहे हो। ऑल लीडर आर वेरी गुड, मैंने बहुत सारे लीडर आपके साथ में जो है मैं उसको देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि कितने बढ़िया लीडर है, कितने बढ़िया लीडरशिप है। लेकिन सारे लीडर के साथ में क्या आपको लग रहा है 10 लाख रुपया इनकम होगा? पहले अगर नहीं लग रहा है माइंडसेट करो, 5 लाख रुपया इनकम होगा, नहीं लग रहा है तो माइंडसेट करो। और पहले सुरक्षा के लिए जल्दी बनाओ, जल्दी चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा के लिए कितने लोग काम करेंगे, हाथ उठा के एक बार दिखाएंगे, जल्दी टारगेट लो सर, कब तक आपका सुरक्षा के लिए काम खत्म होगा? सुरक्षा समझ पा रहे हैं कि काम नहीं भी करेंगे तब भी मेरे घर में पैसा आएगा, कब तक? डेट लिखो आज कि सुरक्षा के लिए मुझे मंथली 1 लाख रुपया चाहिए और मैं ये डेट तक इसको मैं पहले कवर कर दूंगा, तभी हमारा काम होगा। क्लियर हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे? तो बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे ढंग से मैं बात करूंगा और फिर हम लोग आज के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बात हम लोगों ने आज कर दिए, कुछ स्पेशल बात आ रहा था, टीम बिल्डिंग, दोनों लेग को बिजनेस बना, दोनों लेग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मेरे आज तक मेरे अनुभव ये बोल रहा है, कोई एक भी व्यक्ति मेरे नजर में नहीं है जो 2 लेग को नहीं किया और उनका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ या सम्मान हुआ, मैं तो गारंटी दे सकता हूं कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, दोनों लेग को बनाना है, क्योंकि दोनों लेग बनाओगे क्या होगा, दोनों लेग बनाने वाले लोग होंगे और आपका इजी डुप्लीकेशन होगा आपका बिजनेस। दोनों लेग पे आपको काम करना है, न्यू ज्वाइनिंग पे तो आपको हमेशा काम करना है, न्यू स्टेशन पे भी काम करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो नया लोग आ रहे हैं 90 दिन के अंदर में जो नया लोग आ रहे हैं उसको लेके विशेष तैयारियां करो, उनको एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव भी हमको लेके जाना है, ये विशेष तैयारी। और अभी जमाना डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल तैयारी को भी ज्यादा बनाओ, लेकिन डिजिटल और फिजिकल को बैलेंस बनाओ। बहुत सारे लोग केवल डिजिटल में कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं और बहुत सारे लोग केवल फील्ड में जा रहे हैं, नो, इसके बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा तो बहुत काम होगा। और आपके टीम में लीडर फाइंड आउट करो, लीडर कैसे फाइंड आउट होंगे, लीडर फाइंड आउट मतलब ड्रीम फाइंड आउट, लीडर फाइंड आउट मतलब ड्रीम। जिसके पास में ड्रीम फाइंड आउट जिसका नहीं हुआ वो कभी भी लीडर नहीं हो सकता, लीडर वही है जिसके पास में ताजा ताजा ड्रीम है। तो आपका लोगों को ड्रीमर बनाओ तो ऑटोमेटिकली लीडर बनेंगे, ड्रीमर बनाओ और उनको प्लान दिखाने के लिए प्रवृत्ता मोटिवेट करो, रोड मैप बनाओ, देखो अच्छे ऑटोमेटिक ज्यादा से ज्यादा लीडर आपके साथ में बनेंगे। स्टेशन के ऊपर तो काम करना ही है, डुप्लीकेशन अच्छे से करो। डुप्लीकेशन मतलब क्या है, डुप्लीकेशन मतलब क्या है, डुप्लीकेशन को समझो। डुप्लीकेशन का मतलब होता है मैं जो करता हूं आप करो, ऐसा नहीं। डुप्लीकेशन की एक वार्ड में बोलूंगा, मेरा डाउनलाइन जो करे मैं चाह रहा हूं वो मैं पहले करूं, दैट इज कॉल्ड रियल डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब नहीं है मैं बोलूं आप करो, आपका डाउनलाइन जो चाहता है, आपको चलता है मेरे डाउनलाइन प्लान लिखा है, मेरे डाउनलाइन मोटिवेट करे, मेरे डाउनलाइन ज्वाइनिंग कराए, मेरे डाउनलाइन डेप्थ संभाले, मेरे डाउनलाइन सूट पहने, जो चाहते हो वो पहले करो, तब वो राइट डुप्लीकेशन होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होता है वो तो केवल स्पीच होता है, वो तो केवल मोटिवेशन होता है, वो तो केवल ट्रेनिंग होता है। रियल डुप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम यू, आप जो कर रहे हो वही छवि को डुप्लीकेट होगा। लेकिन आप कर रहे हो केवल भाषणबाजी, तो नीचे भी केवल हो रहा है भाषणबाजी। तो राइट डुप्लीकेशन को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, अच्छे कल्चर को डेवलप करो। अच्छे कल्चर क्या है, नीट एंड क्लीन बिजनेस करेंगे, क्रॉसलाइनिंग नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, माता और बहन के प्रति अच्छे भाव देंगे, पैसा वैसा लेना वेना नहीं करेंगे, कैरेक्टर के सचेत रहेंगे, ये सारे चीज आपके टीम में बनेगा तो बहुत बड़ा काम जो है वो होगा। बहुत अच्छा लगा आज के साथ में, आज मेरे प्रोग्राम यहाँ से मतलब प्रोग्राम आप लोगों के साथ में बैठ के काउंसलिंग करके। और मैं अभी आगे भी जो प्लानिंग है कि मेरा अभी जो टारगेट है, जितने भी एग्जीक्यूटिव है उसको डायमंड में लेके जाना। आप भी टारगेट लो, आपके टीम में जितने भी एग्जीक्यूटिव है उसके साथ में स्पेशल प्लान बनाओ, उसको कैसे डायमंड में लेके जाओगे, एग्जीक्यूटिव को डायमंड में ले जाओ, एग्जीक्यूटिव को डायमंड में ले जाओ, एग्जीक्यूटिव को डायमंड में ले जाओ, ये आपका टारगेट। अगर एग्जीक्यूटिव की 50,000 बिजनेस अगर आप डायमंड में ले जाते हो, 3 गुना बिजनेस आप बढ़ा दो। तो जितने भी सीनियर लीडर है
आज ही प्रण खा के जाओ, एग्जीक्यूटिव को मुझे डायमंड में लेके जाना है। और मैं एक सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे मैं केवल एग्जीक्यूटिव लोगों से मिलूंगा। आप लोगों की टीम में जितने भी एग्जीक्यूटिव है उसकी चिट्ठा बनाना चालू करो। इतनी बड़ी मीटिंग नहीं, 10-10 लोगों को लेके मैं अभी एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने वाला हूं। वो 10 लोगों के साथ मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन करूंगा। मैं उनका टारगेट है, वो जाएंगे डायमंड में। तो आप भी डायमंड को लेके, डायमंड लेने के लिए एग्जीक्यूटिव को डायमंड की तरफ खींचने की प्रयास करो। खूब पर्सनल ज्वाइनिंग करो, कैसेट सीडी सुनो, डुप्लीकेशन को अच्छे से करो। और फिर मैं वही चीज को रिपीट करूंगा, दूध से घी तक का प्रोसेस को याद रखो। 10-20 हजार लोगों को मैं रिलेशन बनाऊंगा, उसमें 4-5 हजार लोग प्लान देख, 4 हजार लोग प्लान देखेंगे, 3 हजार लोग पॉजिटिव होंगे, 2 हजार लोग ज्वाइन करेंगे, 1 हजार लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब 200 लोग मेरे साथ उससे काम करना चालू करेंगे, 100 लोग काम करेंगे पूरा, और 50 लोग उससे मुझे रॉयल क्राउन मेरे ट्रिप के लिए मेरे लिए होंगे। वो कहां से आएंगे डाटा ढूंढो, किसी को प्लान दिखा है दो ले आओ, किसी फेसबुक से उठाओ, फोन डायरेक्टरी से उठाओ, रिलेशन को खूब बड़ा करो, बड़ा बिजनेस होगा। और इस बार जो क्लोजिंग है 25 तारीख, बड़ा करो उसको। देखो दिक्कत भी आ सकता है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी अभी लॉकडाउन चल रहा है मैंने सुना, यही तो आपको एग्जाम देने के टाइम है। मैंने सुना कि लॉकडाउन है, 28 तारीख तक लॉकडाउन है। अरे नॉर्मल समय में तो आम व्यक्ति काम कर जाता है, लीडर तो विपरीत परिस्थिति में काम। मेरा बारे में बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू में बता रहा हूँ, मेरे को जो लगता है जब जब दिक्कत परेशानी आता है ना, मेरा ताकत दिगुना हो जाता है। मुझे इजी आप काम कराने बोलो मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्यों नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता। अगर कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कहीं पे बिजनेस डाउन हुआ, कहीं पे लीडर छोड़ के गए, तो मेरा जो ताकत है ना 2 गुना 5 गुना हो जाता है। और मुझे लगता है कि यही एक लीडरशिप का रियल काम है। अगर आप लीडर है, परिस्थिति जितनी दिक्कत आएगी उतनी ज्यादा बड़ा करने की हमारा संभावना बननी चाहिए, तभी हमारा बिजनेस जो है बहुत बड़ा है। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 10 तारीख के अंदर में जो हमारा 25 तारीख के अंदर में जो ऑफर है उसके ही फायदा आप लीजिएगा। और फिर करूंगा टारगेट एंड पुश, डायमंड बनना है तो खींच के डायमंड बनना है। 50,000 शॉर्ट